तो चलिए प्रश्नावली पाँच पॉइंट दो का प्रश्न नंबर एक देखते हैं बहुत ही आसान प्रश्न है ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या है कि आप यूक्लिड की पाँचवीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि ये सरलता से समझी जा सके सिंपल सी बात ये पूछी है कि जो आपने यूक्लिड की पाँचवीं अवधारणा पढ़ी थी उसको आप सिंपल भाषा में यहाँ पर लिख दो ताकि आसानी से समझ में आ सके तो हम उसको लिख देंगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड की पाँचवीं अवधारणा क्या थी क्या थी कि भैया अगर कोई दो रेखाएँ हैं ठीक है ठीक है सर और तीसरी रेखा उनको इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है कि उनकी एक और बने कोण जो है ना वो दो समकोणों से कम हो दो समकोणों का मतलब दो एक समकोण कितने का नब्बे का दो समकोण कितने के हो जाएंगे एक सौ अस्सी के हो जाएंगे ठीक है ना ये तो सिर्फ समझने के लिए था ठीक है यानी क्या है कि दो रेखाएं इस प्रकार से हैं कि तीसरी रेखा उनको प्रतिच्छेद करे और जो दो अंत कोण बने हैं एक तरफ के अगर वे दोनों कोण एक से कम हो इसको मान लो एक एंगल इसको मान लो एंगल नंबर दो तो यानी एंगल एक और एंगल दो का जो जोड़ है अगर वो एक से क्या हुआ कम हुआ तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी ये कहा था यूक्लिड की पांचवी अवधारणा में ठीक है तो वही चीज हम यहाँ लिख देंगे सिंपली क्या यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार से काटती है दो रेखाएं हैं तीसरी रेखा काट रही है कि एक ही ओर बने अंत्यकोण जो एक और अंत्यकोण बने हुए हैं उनका जो योग है वो 180 से क्या है कम है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ठीक है एक और बात लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे दोनों की दोनों रेखाएं उसी और प्रतिच्छेद कहा करेगी जहां के अंत कोणों का योग 180 से क्या है कम नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं दूसरी बात ध्यान रखिए अगर आप ये जो डायग्राम सा है ना ये बना देंगे तो और अच्छे आपको नंबर मिल जाएंगे एग्जामिनर पर और अच्छा प्रभाव जाएगा तो इस तरीके से सिंपल सा एक क्वेश्चन था पहला अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न देखते हैं बहुत ही आसान प्रश्न है ध्यान से समझिएगा प्रश्न का मतलब समझा देता हूँ प्रश्न का मतलब ये है कि यूक्लिड की क्या पांचवी उदारणा प्रश्न में पूछा क्या गया है वो समझिए प्रश्न में पूछा गया कि क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा समांतर रेखाओं के बारे में बात करती है बस इतना यहाँ के क्या कहा कि क्या यूक्लिड की पाँचवें अवधारणा समांतर रेखाओं के बारे में बात करती है या नहीं इतना पूछा है देखो हम सबसे पहले लिख देंगे यूक्लिड की पाँचवीं उदारणा क्या है लिख दी भाई कि भैया अगर कोई दो रेखाएँ हैं क्या है अगर कोई दो रेखाएं हैं तीसरी रेखा उनको इस प्रकार से काटे कि उसमें जो आंतरिक कोण बन रहे हैं उन कोणों का योग एक से कम हो तो वो दो रेखाएँ प्रतिच्छेद करेंगी ये यूक्लिड की पाँचवीं उदारणा कहती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उन दोनों कोणों का योग एक से कम हो तभी प्रतिच्छेद करेंगी अगर बराबर हो तो क्या होगा प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो मतलब क्या है अब दो रेखाएं हैं भाई दो रेखाएं काट नहीं रही तो इसका मतलब क्या हो गया उनके बीच जो अंतर है वो क्या है बराबर है इसका मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं क्या हैं समांतर हैं तो ऐसे ही हम लिखेंगे क्या कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर आंतरिक कोणों का योग अस्सी डिग्री है मान लो चित्र में एक डिग्री है ठीक तो एक डिग्री है तो ये रेखाएं समांतर होंगी काटेंगे नहीं तो क्या होंगी भाई समांतर ही होंगी तो इसलिए पांचवें अवधारणा समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित करती है इसका मतलब क्या होगा कि पांचवी उधारणा जो है उस समांतर रेखाओं के बारे में बताती है देखिए कितना शांत है ना तो अब आपका काम क्या है आपने मेरे साथ पांच पॉइंट एक और पांच पॉइंट दो दोनों कर ली है अब आपका काम क्या है कि पाँचों ही इसकी अविधारणा और साथ इसके अभिगृत सारों को सारों को वापस एक बार रिवाइज कर लें ठीक ताकि ये अच्छी तरह से आपको मेमोराइज हो जाए और दूसरी बात जो पांच पॉइंट दो पर्शनवली है ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपसे जो पर्सन है जो एग्जामिनर है वो क्या पूछता है आपसे सिर्फ अवधारणाएं पूछ लेगा कि भैया दूसरी अवधारणा बता दो तीसरी अवधारणा बता दो समझ में आई बात तो इसलिए मैंने करा दी लेकिन अगर अगर आपको मतलब एग्जामिनर जो हैं आपके स्कूल वाले टीचर जो हैं अगर वो कहें कि नहीं भाई करनी है तो आप कर सकते हैं बहुत ही आसान है कुछ नहीं है दोनों ही दोनों प्रश्नों में आपने क्या आया। में ने ने बताया दोनों प्रश्नों में हमने बताया यूक्लिड की पांचवी धारणा के बारे में ठीक है हाँ बस थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बता दिया ठीक तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम करेंगे छठा चैप्टर तब तक, तक के लिए धन्यवाद